दस की का एक साल का वनवास खत्म हुआ है और वापस से काम करना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं इतने लोग इकट्ठे, पहली बार हम एक साल के बाद आए हैं, तो सब कुछ एक साल में काम हुआ नहीं था। अब सब चीज़ें दूसरे लेवल पे आ रही हैं और आप सब लोग भी मास्क पहन के अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। रोज़ हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ताकि लॉकडाउन बॉम्बे में ना लगे, उन सिटीज में लग चुका है, बट अब काम वापस शुरू हो गया। बट बॉम्बे के अंदर शूटिंग करने से अभी भी डरते हैं। हम भी अपने जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अभी तक यही प्लान है कि बॉम्बे में शूटिंग नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे ताकि वहाँ रिस्क नहीं हो एक्टरों को, यूनिट को, सबको। तो अभी हम एक वेब सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एमएक्स प्लेयर के लिए, और एक और वेब सीरीज़ है बहुत बड़ी, और एक इंटरनेशनल फिल्म है। ये तीन प्रोजेक्ट हैं अभी जो एक एक के बाद शुरू होंगे। कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे? कोई कुछ भी नहीं, उसके लिए आपको फिर बुलाएंगे ना। अच्छा। अभी आप डिस्क्लोज कर लो, फिर उस दिन क्या पूछोगे मेरे से। तो फिर भी सब्जेक्ट या कोई ऐसा जाना पहचान चेहरा? सब नॉन एक्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है उसकी। इस लॉकडाउन में सबसे अच्छा ये हुआ कि हमारी दो स्क्रिप्टें जो 6-6 महीने लग के बनी, वो स्क्रिप्टें बहुत अच्छी तैयार हो गई। नहीं तो राइटर्स को टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा इसका काम करेंगे, थोड़ा उसका करेंगे, तो लग के जो किया गया स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई है। और उस स्क्रिप्ट के लिए मेरे पास कम से कम 5 चैनल्स OTT के ऑफर्स हैं, बट अभी हमने सोचा हम खुद बनाएंगे, बनाने के बाद देखेंगे क्या करना है। तो OTT का मार्केट क्या है सर, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो आजकल चल रहा है यूथ का, जैसे वैसे अभी आप बोलोगे तो MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज़ आई थी जो मुझे लोगों ने बताया कि इस साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ है, उसका नाम है मस्त राम। कुछ 600 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उसको अभी तक। तो हम वैसा तो नहीं बना सकते, पर उसी लाइन पे थोड़ा मॉडर्न, वो अर्बन है, हम मॉडर्न बना रहे और बड़े ज़बरदस्त स्टारकास्ट है, उसके 15 एपिसोड बनेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो मार्च एंड से हम शूटिंग कर रहे हैं। तो राकेश लास्ट ये भी हम चाहूँगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि जो OTT प्लेटफॉर्म को लेकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं नहीं उनके खिलाफ जो। देखिए आपको मैं क्लियर बताऊँ, OTT के ऊपर कोई भी कानून नहीं चलता है कि OTT के प्लेटफॉर्म्स की लोडिंग जो है इंडिया से बाहर होती है, उस कंट्री के ऊपर इंडिया का लॉ नहीं चलेगा। आपने देखा होगा तांडव का भी बहुत कुछ हल्ला हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ने OTT के लिए गाइडलाइन जारी की है, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। एक सेल्फ अपने आप को सारे OTT इकट्ठा होके एक सेल्फ गाइडलाइन बना रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि भी जो भी शो आ रहा है उससे पहले एक लाइन आएगी कि ये भाई 18 साल से ज़्यादा वाले देख सकते हैं, ये बच्चे नहीं देख सकते, वो एक डिस्क्रिमिनेशन आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेट के ऊपर किसी भी तरह की सेंसरशिप, ये 20 साल से चल रहा है इंडिया में, तो अभी आया है, तो फॉरेन में कहीं हुई नहीं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ भी होने वाली है। सर 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 एक आखिरी सवाल है, जैसे आप कह रहे वेब सीरीज चालू कर रहे हैं तो नए आर्टिस्ट जो जुड़ना चाहे आपके साथ वो कैसे जुड़े? वो जुड़े हैं, चांस देंगे उनको? देखिए चांस हमने हमारी हर फिल्म में, मैंने जितनी फिल्में जो भी बनाई हर एक में किसी सिंगर को, किसी नए एक्टर को चांस दिया है, पोटेंशियल होगा ज़रूर देंगे। इसमें भी 2-3 लोगों को चांस दिया जा रहा है। और म्यूज़िक आपको इस बार 2 नए म्यूज़िक डायरेक्टर मिलेंगे जो इस वेब सीरीज़ के अंदर 6 गाने वो करेंगे, उनका नाम भी डिस्क्लोज़ करेंगे जब काम शुरू होगा, जब गाने बनने शुरू हो गए, स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई, सब कब लॉक हो चुके हैं, आर्टिस्ट सारे लॉक हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, इट विल बी ए बिग अनाउंसमेंट, और आप सबको उस दिन बुलाएंगे, लक्की जी लेके आएंगे, आपको उस दिन सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे। सबसे पहले तुषार को बर्थडे विश करना चाहूँगा और उसके साथ साथ उसका आज बर्थडे भी है जी, तो तुषार के बर्थडे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और मैं हर साल आता हूँ और ये बड़ा होते जा रहा है, बेटर होते जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके से प्रोत्साहन करते रहें नारी का, और क्योंकि उनको ऊपर वाले ने कंप्लीट बना के भेजा है। हाँ। तो हमारा काम सिर्फ उन्हें जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम एक सपोर्ट कर सकते हैं बस, बाकी उनकी ग्रोथ और हर चीज़ के अंदर मुझे लगता है कि हमारा जितना भी योगदान होगा उतना हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर के लिए बढ़िया रहेगा। अबाउट माई करियर, आई एम डूइंग कपल ऑफ वेब सीरीज़, वन इज़ फॉर Amazon प्राइम, वन इज़ फॉर MX प्लेयर, और सबरवाल जी के साथ भी काम करने के लिए जुड़ रहा हूँ। ये मेरे साथ इस साल काम कर रहा है, बाकी क्वेश्चन मत पूछो ना, कौन सा है क्या है वो बाद में बताएंगे, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक्स थैंक्स फॉर योर, ओके थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तुषार को बर्थडे विश करना चाहूँगा और उसके साथ साथ उसका आज बर्थडे भी है जी, तो तुषार के बर्थडे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और मैं हर साल आता हूँ और ये बड़ा होते जा रहा है, बेटर होते जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके से प्रोत्साहन करते रहें नारी का, और क्योंकि उनको ऊपर वाले ने कंप्लीट बना के भेजा है। हाँ। तो हमारा काम सिर्फ उन्हें जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम एक सपोर्ट कर सकते हैं बस, बाकी उनकी ग्रोथ
और हर चीज़ के अंदर मुझे लगता है कि हमारा जितना भी योगदान होगा उतना हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर के लिए बढ़िया रहेगा। अबाउट माई करियर, आई एम डूइंग कपल ऑफ वेब सीरीज, वन इज़ फॉर अमेजोन प्राइम, वन इज़ फॉर एमएक्स प्लेयर, और सबरवाल जी के साथ भी काम करने के लिए जुड़ रहा हूँ। ये मेरे साथ इस साल काम कर रहा है, बाकी क्वेश्चन मत पूछना कौन सा है क्या है, वो बाद में बताएंगे, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एग्जैक्टली। थैंक्स, ओके, थैंक यू।